नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त रणनीति बताने वाली हूँ। अर्थात आज मैं आप सभी को समस्त पुस्तक बताऊंगी, साथ में सिलेबस का एक एक पॉइंट आप सभी को बताया जाना है कि सिलेबस के किस टॉपिक की तैयारी आप कैसे करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की रणनीति। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आप सभी की प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र पूछा जाना है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो है आपका जीएस का, जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका हिंदी का है, ठीक है। और ध्यान रखें जो जीएस प्रारंभिक परीक्षा में है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाना है, अर्थात हर प्रश्न के लिए चार विकल्प आप सभी के बीच दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के लिए आप सभी के बीच 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके लिए अंक निर्धारित है 140 नंबर। और सेम यही सिलेबस जीएस का, अर्थात सामान्य अध्ययन का, आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का, सेम यही सिलेबस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का है। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाना है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प आपको दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसका चयन आप सभी को करना होगा। और सुने, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 120 अंक के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सिलेबस में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप सभी को मैं हर सब्जेक्ट वाइज तैयारी की रणनीति बताने वाली हूँ। आप किस पुस्तक से तैयारी करेंगे वो भी बताऊँगी। लास्ट में समस्त पुस्तकों की सूची भी उपलब्ध पुनः करा रही हूँ, ताकि आप सभी द्वारा जो बार बार पुस्तकों की सूची के संबंध में पूछा जा रहा है, उसके संबंध में आप सभी को इकट्ठी सूचना इस क्लास में मिल जाए। साथियों, आप देख रहे हैं कि आपके सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान यहाँ पर समायोजित है। सामान्य विज्ञान के लिए मात्र एक पुस्तक आपको पढ़ना है, वो है लूसेंट का सामान्य विज्ञान। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ये दो टॉपिक और संस्कृति, इसके लिए आपको यूनिक का सामान्य अध्ययन का इतिहास किताब का अध्ययन करना है, अथवा यदि आप यूथ का भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वो भी सफिशियंट है। और इसके अलावा, अर्थात यूनिक सामान्य अध्ययन इतिहास के साथ साथ एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 10th, 11th, 12th का अवश्य ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से साथियों, हिस्ट्री पर विशेष आप सभी को अध्ययन रणनीति बनानी होगी। अब आपको मैं यहाँ पर भारतीय राजतंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। भारतीय राजतंत्र अर्थात पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाना है। आप पॉलिटी के लिए मात्र दो पुस्तक आप अध्ययन करेंगे। पहला जो पुस्तक है वो मैं बताऊँगी, भारतीय संविधान का वेयर एक्ट। वेयर एक्ट में आपके एक एक आर्टिकल को अच्छे से बताया गया है, जिससे 60% क्वेश्चन आरओआरओ प्री और मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पत्र में। इसके साथ एक पुस्तक कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि 60% तो वेयर एक्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन 40% कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जो कि किताबों से अध्ययन करने पर ही आप सभी को जानकारी। उसके लिए साथियों, आप सभी को भारतीय संविधान डीडी बसु का पुस्तक का अध्ययन करें। और यदि डीडी बसु के पुस्तक आपको बहुत ही कठिन लगे, तो इस कंडीशन में आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप सभी को अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रणनीति बताऊंगी। साथियों, अर्थव्यवस्था के लिए दो पुस्तक पर्याप्त है। पहला जो पुस्तक है वो है प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक है, अल्टीमेट पुस्तक है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और जो दूसरा पुस्तक है, जो कि काफ़ी पतला है, 40 से 50 पेज का आता है, वो है घटना चक्र का आर्थिकी, जिसमें अर्थव्यवस्था
से संबंधित खाद्य फसल, खाद्यान्न और महत्वपूर्ण खनिज आदि के संबंध में उसमें ढेर बहुत सारे आंकड़ों से रिलेटेड उसमें सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो दो पुस्तक आप ज़रूर पढ़ेंगे, लास्ट में आप सभी को सारे पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं भारतीय कृषि, यहाँ देख रहे हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, यहाँ देख रहे हैं जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। इसके लिए परीक्षावाणी सफिशियंट है, ध्यान रखिए परीक्षावाणी का जनगणना एक अलग पुस्तक होगा, पर्यावरण एक अलग पुस्तक होगा, ठीक, और कृषि एक अलग पुस्तक होगा। तो ये तीनों पुस्तक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आप उत्तर प्रदेश का भी जो किताब है वो परीक्षावाणी का ही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसके लिए किसका अध्ययन करेंगे? तो साथियों, विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल से जो मैक्सिमम क्वेश्चन RO ARO प्री और मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैप से रिलेटेड होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए साथियों आप सभी को मानचित्र का गहन अध्ययन करना बेहद उपयोगी होगा। अतः मैं आप सभी को एक मानचित्र संबंधित किताब TTK का किताब सजेस्ट करूंगी अथवा ऑक्सफोर्ड, दोनों में से किसी एक किताब को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करें। इसके अतिरिक्त साथियों अनिल केसरी अथवा के सिद्धार्था का भारत विश्व का मानचित्र से संबंधित किताब अनिवार्य रूप से खरीद लीजिएगा। उसका कारण है साथियों, मानचित्र रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं उससे रिलेटेड इन दोनों पुस्तकों में अच्छा खासा फैक्ट को कवर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इन दोनों किताबों में से किसी एक को जरूर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साथियों 6 to 10 ओल्ड NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आप NCERT ओल्ड NCERT जो है 6 to 10 उसको जरूर अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें, मैं RO ARO के लिए सामान्य अध्ययन के लिए मात्र 2 सब्जेक्ट के लिए ही NCERT आप सभी को सजेस्ट करती हूँ। वो 2 सब्जेक्ट कौन सा है? वो 2 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ 10th, 11th, 12th ओल्ड NCERT। वहीं आप सभी के लिए मैम भूगोल के लिए आप सभी को सजेस्ट करती हूँ 6, 7, 8, 9, 10th अर्थात 6 to 10 के NCERT जो कि ओल्ड है। NCERT यह बहुत ही अल्टीमेट पुस्तक है, उसको ज़रूर आप देखेंगे। साथियों, यहाँ पे 8वां जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसका मतलब करेंट अफेयर्स, यानी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स की आप तैयारी कैसे करें, करेंट अफेयर्स कितने माह की तैयारी करें? तो साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को सेफ साइड तैयारी की रणनीति बताई जाती है, क्योंकि आप सभी को अवसर बार बार नहीं मिलता है, तो अवसर जो मिला है उसको सुनिश्चित सफलता में परिवर्तित करें। इसलिए आप सभी को प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक पत्रिका होती है उसको ही पढ़ना होगा। प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़े, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक आप पढ़ लेते हैं उसको सारा नहीं पढ़ना है, बस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान प्रौद्योगिकी और संचिका अर्थात लगभग 35 से 40 पेज ही आपको पढ़ना होता है। और ये भी ध्यान रखिए उसमें बीच में बहुत सारे ऐड होते हैं। अब फर्स्ट रीडिंग या सेकेंड रीडिंग के दौरान आप कैसे अध्ययन करेंगे, ये सारी रणनीतियाँ आप सभी को ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो आप अवश्य ही मासिक प्रतियोगिता दर्पण 18 माह का जरूर पढ़ेंगे। 18 माह का क्यों पढ़ेंगे साथियों? ध्यान रखिए 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन आपके 1 ईयर के पूछे जाते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन आपके काफ़ी पीछे के होते हैं। तो इस वजह से साथियों सेफ साइड चलने के लिए आप सभी अवश्य 18 माह का करेंट अफेयर्स की तैयारी जरूर करेंगे, और उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका, साथ में जब आप सभी का परीक्षा आयोजित होने वाला हो ठीक उसके 1 माह पूर्व आप घटना सार के अर्धवार्षिक पत्रिका को अवश्य ही ले लें और उसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें। जो भी फैक्ट आपके छूटे होंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। अब मैं आप सभी को सजेस्ट करने वाली हूँ सामान्य बौद्धिक क्षमता के संबंध में आप क्या पढ़ें।
तो सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए आप क्या पढ़ेंगे? सामान्य बौद्धिक क्षमता में मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, और इसके लिए साथियों आप सभी को एक्स्ट्रा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, उसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ध्यान रखें, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पास इतना टाइम नहीं रहता है मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करने को। अब मैं आप सभी को ऑलरेडी बताती हूँ कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में सॉल्व करने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो सबसे पहले आप जीएस के जितने पोर्शन हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, सेंसेस एंड अदर जो जीएस के सब्जेक्ट है, लास्ट में आप 30 to 35 या 40 मिनट आप टाइम निकाल सकते हैं सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए, और इस प्रकार से लास्ट में इसको अवश्य आप सॉल्व करेंगे। साथियों अब आते हैं 10वां टॉपिक, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध विशिष्ट जानकारी, अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि विभिन्न पहलुओं से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके लिए परीक्षावाड़ी अल्टीमेट पुस्तक है। ध्यान रखें, परीक्षावाड़ी जो पतला वाला आता है उसको ही आप पढ़ेंगे, उतना आप सभी के लिए सफिशियंट है। अब आप सभी को मैं सामान्य अध्ययन का पूरा क्लियर कर दी, अब मैं आप सभी को सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताने वाली हूँ, और ये भी बताने वाली हूँ कि किस पुस्तक से इसका अध्ययन करेंगे। साथियों आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष से विशेषण शब्द, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सेम यही सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा में है, बस पर्यायवाची को छोड़कर। मुख्य परीक्षा में आपके ये 5 टॉपिक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, जीएस और आपके ये टोटल पोर्शन मेंस एग्ज़ाम में पूरे तरीके से उपयोगी है, अतः इस सारे टॉपिक पर गहनता के साथ आप अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स ये जितने टॉपिक हैं 6 के 6 टॉपिक आप सभी अवश्य ही 2 पुस्तक से अध्ययन करेंगे। पहला पुस्तक है सामान्य अध्ययन, नालंदा पब्लिकेशन द्वारा जो प्रकाशित होता है, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। उस पुस्तक से ये 6 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ेंगे। रिवीजन किस पुस्तक से करेंगे, अर्थात कम से कम 2 पुस्तक का सहयोग जरूर प्राप्त करें, क्योंकि मेरा टारगेट है आप सभी को कम से कम 56 से 60 प्रश्न 100% सियोरिटी के साथ सॉल्व करा देना। इस स्थिति में साथियों आप अवश्य ही 2 पुस्तक का अध्ययन करेंगे। दूसरा पुस्तक है पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित, व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आप अवश्य ही इन 2 पुस्तकों को पढ़ेंगे, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है, अतः आप प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए साथियों, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसके आंसर को आप अवश्य ही अपने इन 2 पुस्तकों से जरूर एक बार मिला लीजिएगा, जिसके क्या होगा कि आप सभी की तैयारी भी प्रखर होगी, साथ में जो कमियां होंगी उसमें आप सुधार कर सकते हैं, खोजने के क्रम में आपके अनेक प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अवश्य ही नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी को पढ़ें, साथ में पिंक सिटी पब्लिशर्स का आप व्यवहारिक का सामान्य हिंदी पढ़े। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। साथियों मुख्य परीक्षा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ, समय 2 घंटा, पूर्णांक 120, ठीक है। अर्थात यहाँ पे सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि एज इट इज़ फॉर्म में है, अर्थात ये जो आप ऊपर देखे हैं यही सेम मुख्य परीक्षा में आपका है, ठीक है। ये जो सिलेबस आपके प्रारंभिक परीक्षा में है, सेम के सेम सिलेबस मुख्य परीक्षा में है, कोई कन्फ्यूज़न में आप ना रहिएगा। तो आइए देखते हैं अंतर क्या है मुख्य परीक्षा में। तो साथियों मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी है उसका वेटेज थोड़ा बढ़ जा रहा है, क्यों देखिए आप, जीएस मात्र 120 नंबर का है, जबकि सामान्य हिंदी में मालेखन
लगातार बढ़ रहा है। देखिए परंपरागत जो सब्जेक्ट है उसमें 120 अंक का है और पहला जो टॉपिक है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? इसकी तैयारी आप वही हिंदी के जो 2 पुस्तक आपको बताया गया है, पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी अर्थात जो कि नालंदा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है, दूसरा पुस्तक कौन सा है व्यवहारिक का सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित होता है, उससे इस टॉपिक को तैयारी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो है आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ठीक है, और पत्राचार। पत्राचार में आपका शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र है, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इस प्रकार कुल 10 पत्र हो गए आपके इस सारणी रूप अर्थात टेबुलर फॉर्म को मिलाकर। इन 10 पत्रों की तैयारी आप कैसे करेंगे? इन 10 पत्रों की तैयारी के लिए साथियों आप सभी मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों पर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध जो भी पुस्तक हैं उसके जो प्रारूप है वो सही नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण साथियों आप सभी के अंक काटे जा सकते हैं। अतः आप सभी के लिए मेरे द्वारा स्वयं लेटर राइटिंग से रिलेटेड एक समग्र क्लासेस लाया जाना है, जिसके माध्यम से आप सभी को लेटर राइटिंग से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जानी है और ये भी बताया जाना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आएंगे शासकीय पत्र किसे कहते हैं, शासकीय पत्र की क्या विशेषताएं हैं, एक प्रारूप बनाइए, एक प्रारूप लिखिए। सेम इसी फॉर्म में सारे पत्रों के बारे में पूछा जाएगा कि अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए या प्रारूप लिखिए। ऐसे कार्यालय आदेश में भी पूछा जाएगा, ज्ञाप, परिपत्र, अन्य पत्रों के बारे में, प्लस अंतर भी पूछा जा सकता है कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं कि एक्स्ट्रा कौन सा सोर्सेज है जिसके माध्यम से आप शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक का अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों जो एक्स्ट्रा सोर्सेज है वो मैं आपको ऑफिशियल सोर्सेज बताऊँगा, वो है ध्यान से देखिए sasnadesh.up.gov.in। ये साइट है उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा जितने भी लेटर निर्गत होते हैं महत्वपूर्ण प्रकृति के, वे सारे पत्र के प्रारूप आपको इस साइट पे उपलब्ध होंगे। आप अवश्य ही उस साइट पे देखें विभिन्न प्रकार के पत्र। आप देखेंगे कोविड काल में जो हाल फिलहाल में जितने महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किए गए उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे शासकीय पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप मिल जाएगा, कार्यालय आदेश का प्रारूप मिल जाएगा, ज्ञाप का प्रारूप मिलेगा, परिपत्र का प्रारूप मिल जाएगा, प्लस अनुस्मारक का भी प्रारूप मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से साथियों आप ऑफिशियल साइट sasnadesh.up.gov.in पर जाकर विभिन्न पत्रों के प्रारूप को आप देख सकते हैं और जो मेरे द्वारा क्लास लाए जाएंगे उसको आप अनिवार्य रूप से देखेंगे। उसका कारण है साथियों मेरे द्वारा 2 से 3 लेटर आप सभी के बीच लाए जाने हैं, बताया जाना है कि प्रत्येक पत्र की क्या खासियत है, प्रत्येक पत्र में वे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके अभाव में आपके पत्र सही नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अवश्य ही क्लास को देखेंगे जिसमें मेरे द्वारा थ्योरेटिकल एंड लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपके जो भी प्रारूप होंगे उसके बारे में आप सभी को अवगत कराया जाना है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों जो 4th टॉपिक है वो है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, और देख रहे हैं अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी जो कि 10-10 अंक का है, और मुहावरा और लोकतिया ये भी 10 अंक का है जिसमें केवल 5 करने होते हैं, ठीक। तो साथियों ये ध्यान रखें अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ हैं बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि तैयारी कहाँ से किया जाए, तो साथियों मार्केट से किसी भी पतले किताब को आप ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो मैं बताती हूँ, वो है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं
प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड, वाणिज्यिक शब्दावली से रिलेटेड, जो कि UPPCS द्वारा आयोजित जो पहले के जितने एग्ज़ाम हैं उसे पूछे गए, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके लिए मैं सोर्सेज आप सभी को बता देती हूँ। प्रशासनिक शब्दावली के साथ ही आदित्य पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रीवियस क्वेश्चन को बताया गया उसमें भी अच्छा खासा कलेक्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो साथियों आप अवश्य ही प्रीवियस क्वेश्चन को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अब आइए मुहावरा लोकतियों की तैयारी आप कैसे करें, मुहावरा लोकतियों के लिए कैसे तैयारी करेंगे। नालंदा पब्लिकेशन सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक से पढ़ेंगे, साथ में पिंक सिटी पब्लिशर्स व्यवहारिक सामान्य हिंदी जिसे डॉक्टर राघव प्रकाश डॉक्टर सविता पाईवाल द्वारा लिखा गया उससे आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर ज्ञान के लिए आप क्या करेंगे, साथियों कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्केट से जो सबसे पतला किताब हो उसका आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा पता है जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप अवश्य ही अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरी चीज़ साथियों, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड उसको ज़रूर आप सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। आप यहाँ देख रहे हैं कि शब्द ज्ञान में एज इट इज़ फॉर्म में जो प्रारंभिक परीक्षा में आपका विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष विशेषण है, बस इसमें पर्यायवाची नहीं है, बस इसमें पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका एज इट इज़ फॉर्म में है। तो साथियों प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तैयारी आप साथ करें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के इस प्रश्न पत्र को, ठीक है। अब हम आते हैं निबंध, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी के सिलेक्शन में निभाता है। निबंध में 3 पोर्शन दिया गया है, ठीक है, और जिसमें आपको 3 निबंध लिखना है। हर एक भाग से एक निबंध का आपको चयन करना है, प्रत्येक भाग से किसी एक निबंध का चयन करते हुए आपको निबंध लिखना है। और निबंध की शब्द सीमा क्या है, 600 है। प्रत्येक निबंध में अधिकतम अंक क्या है, 40 अंक है, ठीक है। तो आप चाहे तो अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बस आपका स्किल है, यदि आप इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त कर लेते हैं। साथियों ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कहाँ से होती है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होती है शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करना बहुत ईजी है, मेरे द्वारा तमाम प्रकार की आप सभी को जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, क्लासेस ली गई हैं कि निबंध को कैसे आप तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ पुस्तक, पुस्तक में सबसे बेस्ट होगा आपका पुस्तक योजना पत्रिका। और योजना पत्रिका पढ़ने के साथ जो भी लेख आप पढ़ेंगे उसमें आप अवश्य ही ध्यान देंगे कि लेख की शुरुआत कैसे की गई है, चुनौतियाँ कैसे लिखा गया है, समाधान कैसे लिखा गया है, उस लेख का जो मुख्य पाठ है उसको कैसे लिखा गया है। इससे क्या होगा साथियों, आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपनी लेखनी में एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों कोई टॉपिक जो है योजना में नहीं है तो इस स्थिति में आप कुरुक्षेत्र को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि मैम योजना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र। साथियों मैं आप सभी को कहती हूँ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे द्वारा 21 टॉपिक बताया गया है उसको आप पढ़ें, प्लस जो करेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी तैयारी करें, और जो टॉपिक महत्वपूर्ण है बस उससे संबंधित योजना पत्रिका को ही बस आपको पढ़ना है, और नोट्स आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। इसके अलावा साथियों सामाजिक मुद्दे से संबंधित एक किताब का आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे, क्यों, ताकि आप सभी के पास विषय सामग्री इसी से रिलेटेड पर्याप्त हो जाए। आपके लेखनी में जो शब्द भंडार की कमी आप महसूस करते हैं वो दूर हो सके, लेखनी में आपके और सुधार हो सके, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी जानकारी आपको हो सके। इसलिए आप मार्केट से किसी भी सामाजिक मुद्दे से संबंधित कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं। मैं अगर सजेस्ट करूंगी आप सभी को तो मैं सजेस्ट करूंगी रावत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक मुद्दे से संबंधित किताब जिसे GL शर्मा ने लिखा है, काफ़ी अल्टीमेट पुस्तक है। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी अपने सिलेबस का आज अध्ययन किए, कैसे तैयारी करना है इसके बारे में मैं बता दी। अब मैं आप सभी को पुस्तक की सूची उपलब्ध कराने वाली हूँ, क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पुस्तक, जबकि मेरे द्वारा ऑलरेडी पुस्तक से संबंधित सूची उपलब्ध करा दी गई है, यहाँ पर फिर से आप सभी के बीच उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, ये सारा सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, ऊपर आपके हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदी और प्लस निबंध।
आप हिंदी के लिए जो मैं पुस्तक बताई हूँ वो यही है, नालंदा पब्लिकेशन सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, पिंक सिटी पब्लिशर्स व्यवहारिक सामान्य हिंदी डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल का, ठीक है। निबंध के लिए योजना कुरुक्षेत्र और एक जो पुस्तक है जीएल शर्मा का सामाजिक मुद्दे, जिसे राउत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लेटर राइटिंग के लिए आप मेरी क्लास का अध्ययन करेंगे, साथ में यहाँ पे नोट कर ले, शासनादेश.up.gov.in साइट पे जाएंगे तो देखेंगे विभिन्न प्रकार के पत्र। साथ में साथियों कंप्यूटर के लिए कोई भी पतला सा पुस्तक ले सकते हैं, प्रशासनिक शब्दावली के लिए भी कोई भी पतला सा पुस्तक लेंगे। इसके अलावा पूर्व की जितनी सभी प्रश्न है उसका जरूर आप अध्ययन करेंगे। तो साथियों ये आपका रहा हिंदी से संबंधित जानकारी। अब जानते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित पुस्तक। सामान्य अध्ययन में आप देख रहे हैं पर्यावरण, पर्यावरण उत्तर प्रदेश, जनगणना उत्तर और कृषि के लिए मैं एक किताब सजेस्ट की हूँ, परीक्षा वाड़ी के पतले पतले जो चार किताब आते हैं उसको ले लीजिएगा, कृषि से संबंधित, जनगणना से संबंधित, यूपी से संबंधित और पर्यावरण। इतिहास के लिए सबसे बेस्ट कोई पुस्तक है वो है यूनिक का सामान्य अध्ययन इतिहास, ले लीजिएगा। और एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी 10-12, जो युवा यूनिक का सामान्य अध्ययन नहीं पढ़कर यूथ का सामान्य इतिहास पढ़े हैं तो वो भी पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जरूर आप पढ़ेंगे। विज्ञान के लिए मात्र एक किताब सफिशियंट है, लूसेंट का सामान्य विज्ञान। अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अल्टीमेट है, इससे 60-70-80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में एक पुस्तक और सजेस्ट करूँगी जो कि यहाँ पर छूट गया है और वो है घटना चक्र का आर्थिकी, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था के विभिन्न आंकड़ों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। अब आते हैं राजव्यवस्था। तो साथियों राजव्यवस्था के लिए आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी भारतीय संविधान, वेयर एक्ट, साथ में डीडी बसु भारतीय संविधान के। यदि डीडी बसु आपको समझ में नहीं आता तो इस कंडीशन में आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिएगा। अब आइए भूगोल। भूगोल के लिए मानचित्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मानचित्र में कौन सा, या तो TTK का मानचित्र ले लीजिए या तो ऑक्सफोर्ड का, लेकिन जो भी मैप ले उसे अच्छे से तैयार करेंगे। दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनिल केसरी का भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मानचित्र, अथवा के सिद्धार्था का भारत का भूगोल विश्व का मानचित्र। इसमें इस किताब की क्या खासियत है, मानचित्र के माध्यम से अध्ययन कराया गया है, सारे फैक्ट आपको उपलब्ध कराए गए, अल्टीमेट है। साथ में साथियों आप सभी भूगोल के लिए NCERT ओल्ड NCERT 6-10 क्लास का अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर छूट गया है लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्योग्राफी का यहाँ शामिल कर लीजिए NCERT 6-10। अब आते हैं समसामयिक। समसामयिक के लिए साथियों मासिक प्रतियोगिता दर्पण और घटना सार का अर्धवार्षिकी सफिशियंट है। रिवीजन के क्रम में आप घटना चक्र के दृष्टि को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए मासिक प्रतियोगिता दर्पण आपको 18 माह का अनिवार्य रूप से पढ़ना है, सेफ साइड होके चलना है ताकि आप अवश्य ही इस प्रतियोगी युग में अपने लक्ष्य में सफल हो सके। तो साथियों मेरे द्वारा ये तमाम पुस्तक आपको बताई गई, साथ में सामान्य बौद्धिक जागरूकता के लिए बताया जाना है आप सभी को कि सामान्य जागरूकता के लिए मात्र पूर्व के प्रश्न सफिशियंट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य ज्ञान का ये जो पुस्तक है लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान अल्टीमेट है, इससे लगभग 30-50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सफलता के लिए आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं, इस वजह से ये सारे पुस्तक आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। कतिपय परिस्थिति में यदि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों ये मान के चलिएगा कि गारंटी नहीं है मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना, इस वजह से साथियों आप सभी सेफ साइड में यदि सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो किताब आपको पढ़ना ही होगा। किताब कैसे पढ़ें आप सभी को सब कुछ रणनीति बताई जा चुकी है, अवश्य प्लेलिस्ट में देखें कौन सा किताब कैसे पढ़ना है। अब आते हैं घटनाचक्र का पूर्वावलोकन। घटनाचक्र का पूर्वावलोकन इस परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है साथियों? घटनाचक्र का पूर्वावलोकन इस परीक्षा के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इस परीक्षा में अर्थात लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा UPPC सपा सबॉर्डिनेट, साथ में RO/ARO एग्जाम और अदर एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वजह से RO/ARO एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करना आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। तो साथियों प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करेंगे, मात्र RO/ARO से रिलेटेड क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ना है बल्कि IS/PCS में पूछे गए जितने क्वेश्चन हैं
उसको भी तैयार करना होगा, और इसके लिए घटना चक्र का पूर्वालोकन का जो आठों सीरीज है उसको भी पढ़ना होगा। मैं आप सभी को यहाँ पे समसामयिक के संबंध में भी सजेस्ट करूँगी कि एक बार अवश्य ही उसे देख ले, ताकि आप जान सकें कि करंट अफेयर से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ करेंगे। आप सभी को बताया गया कि ये जो पुस्तक है ये आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, सामान्य अध्ययन के लिए। वहीं ऊपर के जो पुस्तक है वो आपके सामान्य हिंदी के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी। साथियों, एसी राइटिंग इज ए आर्ट। आप अवश्य ही हर वीकेंड पर एक एसी लिखने का अभ्यास करें और उसे एक हफ्ता बाद स्वयं पढ़ा करें, देखिए कि उसमें क्या खराबी है। अपने आप देख लेंगे कि क्या क्या खराबी है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आज आप सभी को मेरी द्वारा RO एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण रणनीति बताई गई, सिलेबस की जानकारी दी गई, यह बताया गया समस्त पुस्तक जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अवश्य ही इन सारे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे क्योंकि कंपटीशन इज टू मच, बट मुझे पूरा संज्ञान है कि आप ही वो युवा है जो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि आप जैसे योग्य युवा ही इस प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने परिश्रम को दुगनी तुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ, ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। ऑल द बेस्ट।